नमस्कार, मैं दामिनी अपनी माटी के सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बार हम आपके साथ फूल उगाना सीखेंगे। इसके अलावा हमेशा की तरह कृषि विश्वविद्यालय भी चलेंगे, साथ ही होनहार किसान यूसुफ खान की नई कामयाबी पर बात करेंगे और अंत में बात होगी किसान मेलों पर। तो आइए शुरुआत करते हैं फूलों की खेती से। फूल किसे अच्छे नहीं लगते, फूल का जिक्र आते ही हर किसी का चेहरा खिल उठता है। फूल उगाना हर किसी के वश में नहीं होता, पर आप टेंशन ना लें, हम आपको सबसे पॉपुलर फूल डेलिया उगाना सिखाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। डहलिया फूल हर किसी की चाहत होते हैं। बहुत सारे लोग डहलिया उगाना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी ना होने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते हैं। अपनी माटी टीम के पास लंबे समय से लोग डहलिया के बारे में जानकारी चाह रहे थे, तो अब इंतजार खत्म हो गया है। आइए आपको ले चलते हैं नौणी यूनिवर्सिटी के केंद्र धौला कुआं, जहां डॉक्टर प्रियंका ठाकुर डहलिया उगाना सिखा रही हैं। आप ये सामने में क्रॉप देख रहे हैं, इसका नाम डहलिया है। ये बल्ब से लगने वाली क्रॉप है जो कि निचले पर्वतीय क्षेत्रों में लगाई जाती है। कि आप आजकल देख रहे हैं कि इसके अंदर ये कलियां बननी शुरू हो गई है और इसका जो फूल है वो काफी बड़ा डिनर प्लेट साइज का भी होता है और इसके बहुत सारी किस्में भी हैं, जैसे पॉम्पॉन टाइप में है, डेकोरेटिव किस्में हैं और इसमें काफी लंबे समय तक पानी में भी इसमें फ्रेश रहती हैं वो वाली किस्में भी हैं। तो जैसे कि ज्ञानी जैलसिंह है जो कि कटे हुए फूलों के रूप में से इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसे गमलीय उत्पादन के लिए और क्यारियों में लगाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि कुछ किस्में हैं एसपी कमला, ज्ञानी जैलसिंह, तंजिन, जीशु, सूर्य देवा, मदर टेरेसा, सिस्टर निवेदिता, ऐसी कई किस्में हैं। तो यहाँ निचले पर्वतीय क्षेत्रों में इसका काफी चलन है इसका, और किसान भाई इसको लगाएं तो इसको गमले उत्पादन और इसको जो बागों के श्रृंगार के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इससे इसकी कटिंग की प्रोडक्शन से इसकी जो एक कटिंग है, जब इसमें जड़ आती है तो वो एक ही कटिंग जो है वो 5 से 10 रुपए की बिकती है और जो गमला है वो 60 रुपए का, और अगर पॉली बैग में इसको बेचा जाए तो वो 20 रुपए का बिकता है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसको कितने कटिंग द्वारा या बल्बों द्वारा लगाया जाता है, तो व्यावसायिक उत्पादन के लिए कटिंग द्वारा लगाया जाता है। तो जैसे कि ये प्रो ट्रे के अंदर हम इसमें, जैसे आपको बताया कि नारियल का बुरादा, वर्मिकोलाइट और ये मिट्टी जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें ये कटिंग लगाई गई थी और अब ये जो इसका प्लग है पूरा इस तरह से बन जाता है। डेलिया कंदीय अर्धकठोर बहुवर्षीय पौधा है और यह पौधा मूल रूप से मैक्सिको का है और उसके बाद ये बाकी कंट्रीज में इसको लगाया गया। और इसके फूल बहुत ही आकर्षक हैं और उसके साथ साथ इसकी कई प्रकार की उन्नत किस्में भी विकसित की गई हैं और आज सभी उद्यानों में ये लगाया जाता है और उद्यान का ये महत्वपूर्ण पौधा बन गया है। तो डेलिया की अनेकों सिंगल, डबल, छोटे बड़े कैक्टस, पॉम्पम आदि आकारों में तथा विभिन्न रंगों वाली किस्में भी पाई जाती हैं, जो बहुत ही आकर्षक और मनमोहक है। इनके फूलों को गुलदस्तों, बुको, फूलदान आदि में लगाने के काम में लाया जाता है और डेलिया को क्यारियों व गमलों में उगाया जाता है। और यूरोप के उद्यानों में ये 18वीं शताब्दी के अंत में लाया गया था तथा 1870 में इंग्लैंड से डेलिया के पौधे लाकर भारतीय उद्यानों में पहली बार लगाए गए थे। तो डेलिया के पौधों की जो ऊंचाई है वो 30 सेंटीमीटर से 2 मीटर तक भी पाई जाती है और इसका जो वर्गीकरण है इंग्लैंड के जो रॉयल हॉर्टिकल्चर सोसाइटी द्वारा किया गया है और इसका जो वर्गीकरण है वो ऐसे है, जैसे सिंगल फ्लावर जिसको कि एक हरे फूल वाली किस्में, एनिमोन फ्लावर, क्वालिटेटिव फ्लावर, प्योनी फ्लावर, कैक्टस, सेमी कैक्टस, पॉम्पॉम, डेकोरेटिव, बॉल टाइप और कई मिसलेनियस टाइप की जो किस्में हैं वो डेलिया में पाई जाती हैं। डेलिया की मल्टीप्लिकेशन मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से करते हैं, बीजों द्वारा, कंदों द्वारा या जिसे ट्यूबर भी कहा जाता है, और कटिंगों द्वारा। तो बीजों द्वारा अधिकांश हम वो किस्में करते हैं जो कि सिंगल फूल वाली होती है और जो बीजों से तैयार की गई किस्में हैं उनको क्यारियों में और बॉर्डर में लगाया जाता है तथा नई किस्मों को तैयार करने के लिए हम बीजों द्वारा जो विधि है उसको अपनाया जाता है या उपयोग में लिया जाता है। बाकी जो कंदों द्वारा है विधि, उसमें डेलिया की जड़ों में पैदा होने वाले कंदों को अलग अलग करके अगले मौसम में लगाया जाता है और इसमें लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि जो कंद है उसमें 2 से 3 आंखें अवश्य होनी चाहिए। जो तीसरा तरीका है कटिंगों द्वारा, व्यावसायिक तौर पर वही अधिक प्रचलित है
और यही एक व्यावसायिक तरीका है जिसमें हम एक ही पौधे से सैकड़ों अच्छी जो इसकी कलमें हैं वो प्राप्त होती हैं, और इसमें एक ही मदर प्लांट्स के रूप में ही जो पौधे रखे जाते हैं उनसे ही कलमें प्राप्त की जाती हैं, और इसमें पौधों के तनों पर व पत्तियों से जो नई जो कली बड्स निकलती हैं उन्हीं बड्स में से 3 से 4 जोड़े पत्तियां निकलती हैं, और इसे चाकू से काट के जो रूटेक्स है हार्मोन वो लगाने के बाद प्रोट्रेज में और छोटे छोटे गमलों में रेत में या रेत और कोकोपीट का जो एक एक की मात्रा में बुरादा है उसमें इन कटिंग्स को लगाया जाता है और इससे फिर जड़दार कलमें प्राप्त की जाती हैं। डेलिया के जड़दार पौधे लगाते हुए इस बात का ध्यान रखें, चाहे क्यारियों में लगाएं या गमलों में, तो उस मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और लगाने के बाद इसमें हल्की सिंचाई करें। लेकिन इस बात का ध्यान हमेशा रखें कि क्यारियों में या गमलों में पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो पौधे मर सकते हैं, और अगर सूखे रहेंगे तो उसमें पौधों की वृद्धि अच्छी होगी और दूसरा फूलों पर भी विपरीत असर नहीं पड़ेगा। और जब भी पौधे लगाएं तो सवेरे लगाएं या सायंकाल के समय लगाएं और दोपहर में पानी बिल्कुल ना दें, और साथ ही साथ इसमें निराई गुड़ाई और ये सब करते रहें जिससे कि जो पौधे का विकास है वो अच्छे से हो और अच्छे फूलों का हम प्राप्त कर सकें। इसके 3 मेथड्स हैं, इसको बीजों द्वारा भी करते हैं, कटिंग द्वारा भी, और इनका नीचे जो बल्ब प्रोडक्शन ट्यूबर प्रोडक्शन इनका होता है उसके द्वारा भी इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पर अगर कमर्शियल स्केल पे करना है तो कटिंग द्वारा ही किया जाता है, और इसे कार्नेशन और बाकी जो फूल हैं उनके साथ मिक्स में इनको कटे हुए फूलों में इन्हें लगाया भी जाता है। तो जिस तरह से ये फूल बढ़ते हैं इनकी हाइट ऊपर आती जाती है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें ये जालियां लगाई गई हैं। इन जालियों को लगाने का ये फायदा है कि जब ये फूल भारी होने लगते हैं तो ये नीचे गिरने लगते हैं, तो उसकी वजह से इनको सहारा दिया जाता है इन जालियों को लगाने से। तो इनके बहुत सारे जो इनका वर्गीकरण किया गया है, जिस तरह से कि ये डेकोरेटिव टाइप किस्में हैं जो कि ये कटे हुए फूलों के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और कुछ एक ऐसी किस्में हैं जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं ये वाली किस्म, जैसे इसको टेंजिन कहते हैं, तो ये है जो कैक्टस टाइप की किस्में हैं, और उसके बाद इनको लगाने के बाद इसमें जैसे कि ये स्टेकिंग कर दी है, और जैसे इसको कटे हुए फूलों के रूप में गमले उत्पादन के लिए क्यारियों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और व्यावसायिक तौर पे वैसे कटिंग द्वारा ही इसका जो है इसका मल्टीप्लिकेशन की जाती है, और अगस्त ऑनवर्ड इनको खेतों में रोपित कर दिया जाता है। अब जैसे कि आप देखिए कि 1.2 स्क्वायर मीटर में इसमें 4 से 6 पौधे आते हैं, और बाद में 1 महीने बाद उसमें पिंचिंग कर दी जाती है। पिंचिंग करने के बाद क्या होता है कि जो उसकी शाखाएं हैं वो उनकी संख्या बढ़ती है, और उनकी संख्या बढ़ने के कारण उनके जो फूलों की संख्या है वो भी बढ़ जाती है। और किसान भाइयों, आप इसको लगाते हो तो इसकी जो रूटेड जो इसका पौधा है वो 5 से 10 रुपए में बिकता है, अगर पौधा है तो वो 60 रुपए का, और अगर पॉलीबैग में है तो 20 रुपए का। तो इससे काफी फायदा मिल सकता है अगर नर्सरी प्रोडक्शन में इस क्रॉप को लिया जाए और इस क्रॉप को लगाया जाए, और इससे किसान भाई गमले उत्पादन इसके पौधे के जड़दार पौधे बनाकर इसकी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये निचले पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो डेलिया का जो फूल है जिसे कि फूलों का राजा भी कहा जाता है, बहुत ही विख्यात है, और इससे आप अपनी आमदनी कमा सकते हैं। हिमाचल में अब किसानों की भलाई के लिए चलने वाली योजनाएं खेतों में तैयार की जाएंगी। इसके लिए कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर ने एक नई पहल की है। हिमाचल में कृषि विश्वविद्यालय ने अनूठी पहल की है। यूनिवर्सिटी के 42 साल के इतिहास में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक पहली बार एक किसान के घर में हुई है। ये आयोजन बिलासपुर जिला के बरठी में हुआ। ये कार्यक्रम पूर्ण राज्यत्व स्वर्ण जयंती के तहत हुआ है। कृषि विज्ञान केंद्र बरठी के अंतर्गत गांव फगोक में उस समय नया इतिहास बन गया जब प्रगतिशील किसान भारत भूषण के घर में जमीन पर बैठकर कुलपति प्रोफेसर हरिंद्र कुमार चौधरी ने बैठक की। कुलपति ने कहा कि वैज्ञानिक किसानों के खेतों में पहुंचकर ही उनके दिल तक पहुंच सकते हैं, न कि अपने कार्यालयों में बैठकर। अपनी माटी टीम के लिए सीनियर जर्नलिस्ट जयदीप रिहान ने प्रोफेसर एच के चौधरी से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन लगातार होने चाहिए, इससे जहां किसानों का मनोबल बढ़ता है वहीं अफसरों और किसानों को करीब आने का मौका मिलता है। इस मुहिम को और तेज किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश
कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर अनुसंधान के साथ साथ एक आगाज किया है कि हम अनुसंधान को एक क्रांतिकारी रूप में खेतों तक लेकर जाएंगे। इसी कड़ी में हमारे पहले चरण के हमने 3 मीटिंगें अभी की हैं। एक कृषि विज्ञान केंद्र बर्टी बिलासपुर के सौजन्य से गांव में, फगोक गांव में, एक कृषि विज्ञान केंद्र सुंदरनगर के सौजन्य से हमने सुंदरनगर में एक मीटिंग की है गांव मझरोट में, और एक कृषि विज्ञान केंद्र कुल्लू के सौजन्य से हमने मीटिंग की है माहौल में कुल्लू में, जहां हम किसानों से आमने सामने रूबरू हुए। वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक भी हमने किसानों के खेतों में ही की इन 3 केंद्रों में, और गांव में ये मीटिंगें हम कर रहे हैं ताकि हमारा संदेश विश्वविद्यालय का जन जन तक पहुंचे और किसान हमारे साथ अपना दर्द साझा करें और ये कृषि विश्वविद्यालय उनके लिए क्या कर सकता है ये हम प्रेरणा लेकर के किसानों तक उनके द्वार पर उनके घर में पहुंचेंगे। आने वाले समय में अब और कई कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अब हम दूसरे चरण में उस दिशा में बढ़ेंगे और अनुसंधान को जन जन में खेत की ओर लेकर जाएंगे। अनुसंधान बहुत हुआ, अब चला वैज्ञानिक खेत की ओर। धन्यवाद। हिमाचल में ऐसे कई किसान हैं जो अपने टैलेंट के दम पर देश दुनिया में छाए हुए हैं। इन्हीं में से एक हैं ऊना जिला के रहने वाले यूसुफ खान। मशरूम उत्पादक के तौर पर दुनिया भर में अपनी पहचान बना चुके ऊना के होनहार किसान यूसुफ खान ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। यूसुफ खान ऊना जिला के रहने वाले हैं। वे नई तकनीक से खेती करने के लिए मशहूर हैं। हाल ही में उन्होंने हाइड्रोपोनिक तकनीक से आलू और अन्य सब्जियां उगाकर हर किसी को अपना कायल बना लिया है। इसी के चलते उनसे अब हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग संस्थान करनाल ने विशेष कैंप लगाने की गुजारिश की है। गौर रहे कि यूसुफ इससे पहले लॉकडाउन के दौरान भी वहां जानकारी बांट चुके हैं। उन्हें फिर से न्योता मिलना हिमाचल के लिए बड़ी बात है। इस बारे में हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करनाल के संयुक्त निदेशक कम प्रिंसिपल डॉक्टर जोगिंदर सिंह ने यूसुफ खान से ऊना में मुलाकात भी की है। नंगल सलांगड़ी में यूसुफ के फार्म पर हुई मुलाकात में कई मसलों पर चर्चा हुई है। ये हमने मैंने जैसे आपको बताया इस महामारी के दौरान में यूसुफ खान जी द्वारा हमने वेबिनार करवाए थे, इवन देन नीदरलैंड से भी हमने साइंटिस्ट को जोड़ा था, तो लो कॉस्ट के ऊपर यूसुफ खान जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, ये बहुत ही सराहनीय है और इनको हमने रिक्वेस्ट की है कि आप हमारे प्रदेश में आके हमारे संस्था लो कॉस्ट के ऊपर किसानों के लिए जो एक डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगाया जाए ताकि लोग वहां देखें और इस कम लागत उपज ले सके। दूसरी ओर यूसुफ ने बताया कि वह कई कॉलेजों और अन्य संस्थानों में अपना लेक्चर दे चुके हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, करनाल में है, क्योंकि पिछले साल मैंने इनको लॉकडाउन के दौरान एक वेबिनार दिया था इसके ऊपर, हाइड्रोपोनिक्स के ऊपर। तो उस टाइम पे जो हाइड्रोपोनिक्स का जो वेबिनार था, तो उसी टाइम से ये लोग मेरे संपर्क में हैं और जो लो कॉस्ट हाइड्रोपोनिक टेक्निक्स है हमारे पास, उसी के सिलसिले में ये लोग यहाँ पे आए हैं कि ताकि इसको हम रेप्लीकेट कर सकें वहाँ पे। इसमें ऐड किए हुए हैं चाहे वो नॉन सर्कुलेटेड हाइड्रोपोनिक्स है, वर्टिकल फार्मिंग में आता है हाइड्रोपोनिक्स रीसर्कुलेटेड सिस्टम में, या फिर वर्टिकल फार्मिंग में जैसे कुकुम्बर हो गया, टोमेटो हो गया, इस तरह की जो क्रॉप्स हैं वो हाइड्रोपोनिक्स के जरिए वहाँ पे डिस्प्ले की जाएं इनके ट्रेनिंग सेंटर में। तो इसी उपलक्ष्य में इनके साथ आज एक छोटा सा हमारा मुलाकात हुई, तो और ये लोग काफ़ी उत्साहित हैं कि इसको अगर वहाँ डिस्प्ले किया गया तो अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे। हिमाचल ने कोरोना से निपटते हुए दोबारा विकास की रफ्तार पकड़ ली है। धीरे धीरे बड़े आयोजन शुरू होने लगे हैं। इसी कड़ी में किसानों के लिए भी राहत भरा समाचार है, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना के आने से पहले प्रदेश भर में किसान मेले हो रहे थे। इसमें किसान और बागवान भाइयों को जहां जरूरी जानकारियां मिल रही थी, वहीं सरकारी योजनाओं से लेकर नई तकनीक का भी पता चल रहा था। इसी बीच कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया और किसान मेले भी बंद हो गए। खैर, अब ये किसान मेले एक बार फिर से शुरू हो रहे हैं। मंडी जिला पद्धर में 15 से 19 अप्रैल तक किसान मेला लगने वाला है।
इस मेले में प्रदर्शनियां लगेंगी। वहीं किसानों को नए बीज और खाद पर भी जागरूक किया जाएगा। इसमें सरकार की योजनाओं पर भी जानकारी दी जाएगी। इस मेले को लेकर SDM शिव मोहन सैनी की अगुवाई में तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। उन्होंने बताया कि इस मेले को शानदार तरीके से आयोजित करवाया जाएगा ताकि सभी किसानों तक सरकारी योजनाएं और नई तकनीकी जानकारियां पहुंच सके। वार्षिक जिला स्तरीय किसान मेला पद्धर जो हर वर्ष 15 अप्रैल से 19 अप्रैल तक मनाया जाता है, के इस आयोजन से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन जो है आज मेरे कार्यालय में किया गया। वह संबंधित विभागों को जो है वो जरूरी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि क्या क्या व्यवस्थाएं जो है वो उन्होंने इस मेले से संबंधित करनी है। बाकी जो भी इस मेले के आयोजन से संबंधित रिसोर्सेज का जो है उन पर भी जो है वो आज जो है चर्चा की गई। और अब चलते चलते ऊना के राणा ब्रदर्स ने मछली पैदावार में कायम की मिसाल। कॉर्पोरेट नौकरी छोड़कर अपनाया नया कारोबार। अब तूफान रोकने के लिए भी मिलेंगे किसानों को जाले। 80% मिलेगी छूट, 1 वर्ग मीटर पर 28 रुपए सब्सिडी। सिरमौर जिला के बागथन में इस बार मटर की भरपूर फसल। एक फली में 12-12 दाने वाले बीज का बड़ा क्रेज। तो चलिए आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अगले शनिवार फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।